ये समझती हूँ कि हम जितनी भी कोशिश करते हैं किसी भी चीज के लेके हम एफर्ट डालते हैं या फिर हम जो भी चीज मुश्किल से करते हैं जितना हार्ड वर्क भी करते हैं वो हमारे लिए जोय होता है कि जिससे हमें खुशी मिलती है एक तरह से, पर वो अलग हो गया। पर जब हम एफर्ट करते हैं और अपनी पूरी हार्ड वर्क करते हैं तो जो वो हमें मिलता है उसको हम जॉय कहते हैं, वो मेरे लिए एक जॉय है। मैम जॉय हमारे लिए ये है जैसे कि कोई भी काम हो उसमें हम अपना बेस्ट देते हैं, गुड इफेक्ट देते हैं, तो उससे जो हमें बाद में सक्सेस मिलता है वो मेरे लिए जॉय है। मैम एफर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है और ये हार्ड भी होता है। जैसे कि एक हमारी हमारी मदर को ले लो, हमारी मम्मी जो किचन में खाना बनाती है मतलब कुछ सही से भी नहीं लेकिन थोड़ा मतलब ज्यादा वो करती है, जब जाके इतना अच्छा खाना बनता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी जैसे ऐसे फुटबॉल में भी है, जितना हम एफर्ट कर देंगे मतलब हम आगे जाते हैं और हमें बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन ये हार्ड भी होता है तो मेरे लिए यही एफर्ट है। मैम जैसे कि हर काम के लिए एफर्ट जरूरी है, मतलब कुछ भी करो उसके लिए अपना बेस्ट देना जरूरी है, बिना बेस्ट दिए हम आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब कई बच्चे होते हैं उसमें एक या दो ही आगे बढ़ पाते हैं क्योंकि वो अपना बेस्ट देता है, उन्हें देख के हम अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो किसी भी चीज पे हम अपना मन लगा के काम करें या उससे अच्छा वो करें तो वो हमारे लिए एफर्ट होता है कि उससे हम अपना बेस्ट कर रहे हैं। एफर्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम मेहनत नहीं करेंगे किसी चीज में, हम फोकस नहीं डालेंगे तो हम उससे आगे कैसे बढ़ पाएंगे। जब किसी चीज में हम ट्रस्ट ही नहीं लेंगे कि चलो भाई हमें नहीं करना, हमें नहीं पढ़ना या कुछ भी, जैसे कि मैं इस अगले साल फेल हो गई थी, मैंने एफर्ट नहीं डाला था। मैंने एफर्ट तो डाला था लेकिन क्या करें नहीं हो पाए थे, हम ज़्यादा खेल में ही ध्यान दे दिया था हमने फुटबॉल में, तो इसके वजह से हम पास नहीं हो पाए थे। यस मैम, मतलब जैसे कि हर गेम के लिए मतलब हर चीज के लिए हम अपना बेस्ट दें तो किसी भी काम के लिए हम अपना उसमें ज्यादा एफर्ट डालते हैं जिससे हमें आगे सक्सेस मिलता है। और जॉय मतलब अगर हम उसमें सक्सेस हो रहे हैं तो हम अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं लोगों के सामने कि हम उसमें अगर सक्सेस हो रहे हैं तो हमें कितनी खुशी हो रही है और हम आगे और क्या क्या करना चाहते हैं।